भगवान शंकर को सदाशिव के कारण शिवडी कहा जाता है। हम इन्हीं भगवान शंकर की बात करेंगे जिन्हें महादेव भी कहा जाता है। भगवान शंकर के बारे में कुछ इस तरह की भ्रांतियां फैलाई जाती हैं जो अपमान जनक है। मे लोग इसके दोषी हैं जो जाने अनजाने में भगवान शिव का अपमान करते हैं। चलिए दोस्तों जानते हैं कि समाज में कौन कौन से झूठ फैलाए जा रहे हैं। सबसे पहला झूठ तो ये है कि शिवलिंग एक लिंग का प्रतीक है। लेकिन वास्तव में आखिर शिवलिंग है क्या? दोस्तों ये दुख की बात है कि बहुत से लोग कालांतर में योनि और शिष्य की तरह शिवलिंग की आकृति को गढ़ा और उसके चित्र भी फेसबुक और व्हाट्सएप पर पोस्ट करते रहते हैं और उसके बारे में अलग अलग प्रकार की टिप्पणियां करते हैं। लेकिन दोस्तों उसके पीछे का सच क्या है, चलिए जानते हैं। दोस्तों शिवलिंग का अर्थ है भगवान शिव का आदि अनादि स्वरूप, शून्य आकाश अनंत ब्रह्मांड और निराकार परम पुरुष का प्रतीक होने से इसे लिंग कहा गया है। जिस तरह भगवान विष्णु का प्रतीक चिन्ह शालिग्राम है, उसी तरह भगवान शंकर का प्रतीक चिन्ह शिवलिंग। इस पेड़ की आकृति हमारी आत्मा की ज्योति की दहाफ, साथ ही साथ आज के मॉडर्न साइंस के वैज्ञानिक की मानते हैं कि एक शिवलिंग एक न्यूक्लियर आर्ट रिएक्टर है। इसके अलावा वो कहते हैं कि किसी के अंदर संपूर्ण आर बस। अगली बार अगर आपसे कोई भी कहे कि शिवलिंग का अर्थ क्या है तो आप साफ शब्दों में कहिएगा कि शिवलिंग का अर्थ है भगवान शिव का आदि अनादि स्वरूप, जो कभी खत्म नहीं हो सकता, कभी नष्ट नहीं हो सका, कभी उत्पन्न नहीं हो सकता। अगला झूठ जो आज कल ज्यादातर युवा फैलाते हैं वो ये है कि भांग और गांजा पीते हैं भगवान शंकर। तो इसका जवाब दोस्तों हम देंगे नहीं। शिव पुराण सहित किसी भी ग्रंथ में ऐसा नहीं लिखा गया कि भगवान शिव या शंकर भांग गांजा इत्यादि का सेवन करते हैं। बहुत से लोगों ने भगवान शंकर के ऐसे चित्र भी बना दिए हैं और फेसबुक और व्हाट्सएप में हर जगह पोस्ट कर दिए जहां भगवान शिव चिलम पीते हुए नजर आ रहे हैं। ये दोनों की कृतियां भगवान शंकर का अपमान करने जैसा है, ये भगवान शंकर की छवि को खराब करने जैसा है। दरअसल दोस्तों इसके पीछे एक खास मिथ है, चलिए समझते हैं। आप वो तो जानते ही होंगे कि समुद्र मंथन के समय विष और अमृत के दो कला, शायद उसमें अमृत मात में निकला, पहले विष निकला, लेकिन बात ये हुई कि ये विष अगर इस समूह मार्ग में फैल गया तो कोई नहीं बच पाएगा, कोई नहीं। ऐसे में ये सारा का सारा दायित्व सौंपा गया भगवान शिव शंकर को और उन्होंने अपने कांड में उस विष को फंसा लिया, जिसकी वजह से उन्हें नीलकंठ भी कहा जाता है। और कभी कभार जब उन्हें तेज पीड़ा उत्पन्न होती थी तब उस समय वह गले में चंदन या फिर उसके लिए भांग का सेवन करते थे ताकि उनके गले में शीतलता बनी रहे। ऐसा कहीं नहीं वर्णन मिलता है कि भगवान शिव शंकर चिलम भांग या गांजा पीते थे। तो दोस्तों ये भी एक भ्रम है, एक झूठ है। एक और सवाल जो आजकल के लोग पूछते हैं, क्या भगवान शंकर को नहीं मालूम था कि गणेश पार्वती के पुत्र हैं? फिर उन्होंने अनजाने में उनकी गर्दन काट दी, ऐसा क्यों किया? फिर जब उन्हें मालूम पड़ा तो उन्होंने उस पर हाथी की गर्दन जोड़ दी। जब शिव जी ये नहीं जान सके कि उनका पुत्र कौन है तो फिर उन्हें भगवान क्यों कहा जाता है? दोस्तों चलिए इसका उत्तर भी आपको देते हैं। भगवान शिव के संपूर्ण चरित्र को पढ़ना जरूरी है, उनके जीवन को लीला इसीलिए कहा जाता है। लीला उसे कहते हैं जिसमें उन्हें सब कुछ मालूम रहता है पर फिर भी वे अनजान बनकर जीवन के इस खेल को सामान्य मानव पितरा खेलते हैं। लीला का अर्थ नाटक या कहानी नहीं, एक ऐसा घटनाक्रम जिसकी रचना स्वयं प्रभु ही करते हैं और फिर उसमें इन्वॉल्व भी होते हैं। वे अपने भविष्य की घटनाक्रमों को खुद ही संचालित होते हैं। दरअसल भविष्य में होने वाली घटनाओं को अपनी तरह से घटाने की कला ही लीला है। यदि भगवान शिव ऐसा नहीं करते तो आज गणेश प्रथम पूजनीय तीर न होते और उनकी गणना देवों में नहीं की जाती। और अगर उदाहरण के तौर पर अलग अन्य देवताओं के नाम लिए जाए, जैसे भगवान राम को सब कुछ मालूम था कि क्या घटनाक्रम होने वाला है क्योंकि वो साक्षात विष्णु जी का रूप था, उन्हें मालूम था कि मृत के रूप में आया एक राक्षस कौन है, लेकिन सीता ने उनकी नहीं मारी तब उन्होंने लक्ष्मण जी को सीता के बहरे के लिए छोड़ दिया और मृग के पीछे चले गए। इस तरह भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तू किसी को नहीं मार रहा, ये सब तो पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, अब तो ये बस एक खेल चल रहा है। बारबरिक से जब महाभारत का वर्णन पूछा गया तो उसने कहा कि मैंने तो दोनों ही ओर से कृष्ण योद्धाओं को मरते हुए देखा है। इस तरह कहा जाता है कि सहदेव को महाभारत का परिणाम पहले ही मालूम था लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें चुप रहने के लिए कहा था, यही तो है असली लीला। एक और खास सवाल आजकल के युग रूप का है, क्रिश्चियन धर्म के बारे में तो आप सब जानते हुए हैं,
एडम और ईव। तो ऐसे में बहुत सारे लोगों का ये मतकृत रहता है कि क्या शिव पार्वती आदम और ईव है। दोस्तों भगवान शंकर को आदिवेद भी कहा जाता है। शंकर के दो पुत्र थे गणेश और कार्तिकेय। जैसा कि कहा गया है कि आदम के दो पुत्र कैन और हाबिल थे। कैन बुरा और हाबिल अच्छा। पार्वती ही क्यों ये मानी जाती? कुछ विद्वानों का मानना है कि स्वयं वो मनु और शत्रुपाई आदम और अवर। शिव का पहला विवाह राजा दक्ष की पुत्री सती से हुआ था जो आदम कूद कर भस्म हो गई। उनका दूसरा विवाह पर्वतराज हिमालय की पुत्री उमा से हुआ जिन्हें पार्वती भी कह दी। मैं पार्वती से उनको एक उच्च प्राप्ति हूँ। प्रमुख रूप से शिव के दो पुत्र थे गणेश और कार्तिकेय। गणेश की उत्पत्ति कैसी हुई ये आप सब जानते हैं और कार्तिकेय की उत्पत्ति कैसी हुई ये भी आप सब जानते हैं, लेकिन इसका हम खंडन करना चाहेंगे। आपको बताते कि भगवान शिव और पार्वती एलम और डी नहीं। अब एक खास सवाल चूंकि बहुत ज्यादा रोचक भी है, क्या भगवान शिव ही शंकर महेश रुद्र महाकाल और भैरव इत्यादि? तो चलिए दोस्तों इसका उत्तर भी हम आपको देते हैं। पहली बात तो ये कि हिंदू धर्म का संबंध वेदों से है, पुराणों से नहीं। देवों में से एक महेश को ही भगवान शिव या शंकर कहा जाता है। वेदों में रुद्रों का जिक्र है। सभी की कहानियों को पुराणों में विस्तार से इसका अध्ययन देखने को मिलता है और सभी को एक ही शिव से जोड़ देने का भ्रांतियां विस्तार से बताई गई है। चलिए हम इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। शिव शंकर महादेव यही भगवान शंकर है। लोग कहते हैं शिव शंकर भोलेनाथ अलग अलग है। इस तरह अनजाने में ही कई लोग शिव और शंकर को एक ही सत्ता के दो नाम बनाते हैं। असल में दोनों की प्रतिमाएं अलग अलग आकृति की। शंकर को हमेशा तपस्वी रूप में देखा जाता है और कहीं ज्यादा शंकर को शिवलिंग का ध्यान करते हुए दिखाया गया है। शिव ने सृष्टि की स्थापना पालन और विलय के लिए क्रमश ब्रह्मा विष्णु और महेश नामक तीन सूक्ष्म देवताओं की रचना की। इस तरह शिव ब्रह्मांड के रचयिता हुए और शंकर उनकी प्रशंसा। भगवान शिव को इसीलिए महादेव भी कहा जाता है। इसके अलावा शिव को 108 दूसरे नामों से भी पुकारा जाता है। दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ आपका मत है, लेकिन आपको बता दे कि मित आपका गलत है और इसका सही प्रमाण सही उत्तर यही है कि भगवान शिव शंकर का एक ही वर्चस्व है और वो है देवों के देव महादेव। तो दोस्तों ये थे कुछ खास झूठ जो आजकल समाज में फैलाए जाते हैं और इनसे सिर्फ आप ही निपट सकते हैं इनको जागरूक करके। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर दीजिए ताकि दूसरे लोगों तक भी ये बात पहुंच सके। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।